हेलो एवरीवन, ममता मिश्रा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आगरा के ताजमहल देखने आए हैं और चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। आगरा के ताजमहल से आपको रूबरू कराते हैं, हर एक कोने की जानकारी आपको देते हैं, आइए देखते हैं। साथियों, हम लोग जो है इस समय आगरा ताजमहल घूमने के लिए आ रहे हैं और देखिए हमारे बीच में ममता मिश्रा जी हैं, वकील साहब हैं और बहुत सारे साथी जो है हमारे शंभू जी हैं और सभी लोग जो है आगरा घूमने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। देखिए हम लोग गेट पे आ चुके हैं और यहाँ RCM सिस्टम का भी कमाल है जो कि हम सारे लोग जो है इसमें रहेंगे, मजा मस्ती करेंगे। और सूरज सर हम लोगों के ग्रेट लीडर हम लोगों के साथ में है, देखिए एकदम चमत्कार शानदार नज़ारा है यहाँ का, बहुत हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग आगरा के ताजमहल में इसमें बहुत सारे मजा ले रहे हैं, अभी बहुत सारी वीडियो बनानी। चलिए सर, ओके सर, चलें। कैसा लग रहा है सर आपको? अति आनंद का अनुभव हो रहा है और चूंकि अभी तक जिसका BST की व्यवस्था में हम लोग बसे थे वहाँ पर से नून रोटी धनिया के चक्कर में से, लेकिन यहाँ नून रोटी धनिया के साथ एक संत समागम भी है और घूमने पर सीखने का परिवार के साथ और अच्छे लोगों के साथ जो माहौल बन रहा है वो और कहीं संभव नहीं था। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगरा किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा के ताजमहल देखने के लिए और आप देख सकते हैं वहाँ से भव्य नज़ारा। दोस्तों, आप ये जगह जो देख सकते हैं, ये जो जाली रखा हुआ है, ये यमुना नदी के नीचे जाने का रास्ता है इस जगह से। तो इसे जाली द्वारा ढका गया है कि कोई खतरा न हो। तो आप इस जाली के माध्यम से नीचे यमुना नदी के तट पर पहुंच पाएंगे। और ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक
हाथी दंत सफेद संगमरमर का मकबरा है। थैंक यू सो मच मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।